समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने अपने समर्थकों संग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में सिविल लाइन कार्यालय में भाजपा का दामन थामा। मौर्य ने शामिल हुए सभी नेताओं को पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाकर उन्हें बधाई देते हुए परिवार में शामिल किया। कहा कि सुशासन और विकास भाजपा की पहचान बन चुकी है। प्रयागराज को एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने का हमारे पास एक मौका है और इस मौके को हमें नहीं छोड़ना है। आप देखना, जो अगर 2-3 साल पहले यहाँ नहीं आया होगा, वो प्रयागराज उतरने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद, वो सोचेगा कि मैं प्रयागराज में आया हूँ कि निवास में आया हूँ। आप ये भरोसा रखिएगा, हम प्रयागराज को बहुत सुंदर, बहुत सुसज्जित, बहुत विकसित बनाना चाहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त प्रयागराज बनाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा का सूपड़ा साफ करने के लिए भाजपा में आए हुए लोगों का हम स्वागत करते हैं। हम सभी को नगर निगम के चुनाव में दिन रात इतनी मेहनत करना है कि हर वार्ड, हर बूथों पर कमल खिल जाए और तीर्थराज प्रयाग विकास का राजा बन जाए। जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए सपा, बसपा, कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दें। उन्होंने कहा, जीत तो हमारी सुनिश्चित हो चुकी है, अब जीत का आंकड़ा हमें बढ़ाना है। वही बूथ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उस बूथ को आपने संभाल लिया, उस बूथ पे आपने 90% मतदान करा लिया, तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाए। और 4 मई को अगर आपने यह कार्य कर लिया, तो विशेष अभिनंदन का कार्यक्रम मैं यहाँ या जहाँ पर भी होगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज जायसवाल, रईस चंद्र शुक्ला, सुभाष गुप्ता, विजय गुप्ता, अनीता जायसवाल एवं अपना दल एस की नेत्री पूनम पटेल और आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की प्राचार्या अर्चना पाठक अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। महापौर के प्रत्याशी गणेश केसरवानी ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम के संयोजक नगर निगम चुनाव संयोजक अवधेश चंद्र गुप्ता रहे एवं संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कमलेश कुमार गौतम ने किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गणेश केसरवानी जी कार्यकर्ता के रूप में इतने लोकप्रिय हैं कि जब कार्यकर्ता अपने कंधे पर कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो परिणाम ही कुछ और होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे मैंने हाथ उठा करके भी पूछा, जो खुश हैं वो हाथ उठावें और जो नाराज हैं वो हाथ उठावें, तो नाराजगी में एक भी हाथ नहीं उठा और खुश होने वालों की संख्या तो 100% रही। तो मैं मतदाताओं के बारे में भी जानता हूं कि प्रयागराज का मतदाता बहुत जागरूक है, बहुत प्रबुद्ध है। गर्मी का समय है, कई बार वो नहीं निकलते। उनसे सबसे अपील है कि हम 2025 के कुंभ से पहले प्रयागराज को बहुत सजाना चाहते हैं, बहुत विकास करना चाहते हैं। उसके लिए हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में जब चुनाव होंगे हमारी सरकार फिर बनेगी, पूरा विश्वास है। नगर निगम में भी हमारी सरकार बने, इसके लिए उनका जनता का वोट हमारी पार्टी के ऊपर कर्ज है। विकास करके ब्याज के साथ चुकता करेंगे।